हर साल जब बिग बॉस शुरू होता है तो कंटेस्टेंट्स के बीच ही ऑलरेडी जंग तो शुरू हो ही जाती है, लेकिन बाहर एक अलग तरह की जंग शुरू हो जाती है। हर कोई अपने अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज चुनने लगता है, उनके नाम के फैंडम्स बनने लगते हैं, फैन आर्मीज बनने लगते हैं, ट्राइब्स बनने लगते हैं। लेकिन एक कंटेस्टेंट इस सीजन का ऐसा है जिसको पसंद सभी कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट कोई नहीं बोल रहा है, और वो कौन है जिसको जनता चाह रही है कि भाई कभी भी नजर ना लगे। चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि एक कंटेस्टेंट, एक शख्स ऐसा है जिस पर जनता जो है लगातार नजर उनकी उतारी जा रही है। जी हाँ, जनता को उनसे इतना प्यार हो गया है एक ही दिन में, एक दो दिन के अंदर अंदर ही, कि जनता कह रही है कि कुछ भी हो लेकिन ये कंटेस्टेंट जो है वो तो अंत तक रहना चाहिए और ये कंटेस्टेंट शो से बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ अब्दू रोजिक की। अब्दू रोजिक इसके पहले कई बार स्पॉट हुए हैं, अवार्ड फंक्शंस में स्पॉट हुए हैं, शोज पर स्पॉट हुए हैं, बहुत सारी जगहों पर स्पॉट हुए हैं, सलमान के साथ फिल्म कर रहे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद उनका एक्चुअल नेचर जो है, उनका ट्रूएस्ट नेचर जो है, वो सामने नहीं आ रहा था। हमें पता नहीं था कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, हमें नहीं पता था कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, कैसे वो बात करते हैं, कैसे रहते हैं, लेकिन बिग बॉस के दो दिन में ही कंटेस्टेंट्स ने इस बात का आइडिया लगा लिया है और कंटेस्टेंट्स को अब्दू रोजिक इतने पसंद आ गए हैं कि फैंस आर ड्रूलिंग ओवर हिम। जी हाँ, सोशल मीडिया पर उनके कई सारे वीडियोस अभी से वायरल हो गए हैं महज दो दिन के अंदर अंदर। घर के अंदर के कंटेस्टेंट्स भी, चाहे साजिद खान हो, चाहे प्रियंका हो, निमृत हो, सुंबुल हो, अर्चना हो, हर किसी को पसंद आ रहे हैं अब्दू रोजिक। चलिए आपको सोशल मीडिया पर दिखाते हैं फैंस ने उनका कैसा वीडियो बनाया है। इसके बैकग्राउंड में अब्दू का ही एक गाना है जिसको हम प्ले नहीं कर सकते, और जाहिर सी बात है, लेकिन ये वीडियो इतना वायरल हो रहा है, अब्दू इतने क्यूट लग रहे हैं, डेफिनेटली अब्दू को सबसे बड़ा टैग मिल चुका है बिग बॉस की हिस्ट्री के। क्यूटेस्ट कंटेस्टेंट का टैग था अब तक शहनाज के नाम पर, लेकिन ऐसा लगता है कि अब्दू रोजिक ने इस सीजन पर जैसे ही ढाबा बोला है ये टैग अब्दू रोजिक के नाम हो गया है। जी हाँ, फैंस आर एब्सोल्युटली इन लव विद अब्दू, और उनका ये जो मस्तीखोर अंदाज है, ये जो क्यूटनेस है उनकी, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं, जिस तरीके से बिग बॉस से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज बिग बॉस मुझे एक छोटा माइक दो, और छोटा माइक उन्हें दे दिया गया, और उसके बाद से उनका ये जो पूरा अंदाज है फैंस को बहुत एंटरटेनिंग लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अडोरेबल लग रहा है, और कंटेस्टेंट्स को भी लग रहा है। देखिए, शहनाज तो थी ही क्यूटेस्ट, लेकिन शहनाज तो अभी भी क्यूटेस्ट हैं ही कंटेस्टेंट बिग बॉस की हिस्ट्री की, एंटरटेनर नंबर वन रहेंगी वो, लेकिन अब्दू ने आते ही अपनी एक अलग जगह बना ली है और फैंस कह रहे हैं कि नजर ना लगे अब्दू को। आप क्या कहेंगे इस पर, बताइए।